अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप लोगों को पाकिस्तानी फूड्स में। आज मैं गोला कबाब मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। ये आधा किलो बोनलेस चिकन की गोला कबाब है और इसके बनाने का तरीका पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। 400 ग्राम टमाटो कलम लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसे बारीक काट लिया है, हरा धनिया लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 2 तेज पत्ता है और 1 टीस्पून जायफल और जावित्री पिसी हुई है और 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आधा कप ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसे सॉटे करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले ऐड करेंगे। टमाटर को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि गोला कबाब अच्छे से पक जाए। आधा घंटा हो गया और गोला कबाब तैयार हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको गोला कबाब मसाला की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पाकिस्तानी फूड को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।